हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 23 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन जो हमारा मिसलेनियस परसेंटेज पे बेस्ड है, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, बोल रहा है आर्या ओपन्स अ रेस्टोरेंट विद अ वेरी लिटिल कैपिटल इन पटना। आर्या एक रेस्टोरेंट ओपन करता है बहुत ही लिटिल कैपिटल से पटना में। इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। पहले ही साल उसने 25% का प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि 100 रुपये का अगर वो इन्वेस्ट करता होगा रेस्टोरेंट में तो 25% का जब उसको प्रॉफिट हुआ, 25% यानी कि 25 का उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो गया, 25 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। एंड डोनेटेड 20% ऑफ द टोटल कैपिटल, और 20% टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनिशियल कैपिटल प्लस प्रॉफिट टू एन ऑर्फनेज। यानी कि इनिशियल कैपिटल हमारा 100 था और प्रॉफिट के साथ जब मैंने ऐड किया तो ये मुझे कितना देगा, 100 प्लस 25 यानी कि कितना, 125। और इसी का वो 20% क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो जब 20% डोनेट कर देगा उसके पास बचेगा कितना, 80/100, 80% बचेगा। सॉल्व जब करेंगे तो 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 25 बार में, 25 × 4 कितना हो जाता है, 100। यानी कि उसके पास फिर बचेगा कितना, 100 रुपीज़। यानी कि वो 25, यहाँ से मैं समझ के आया कि हमारा 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, 25 रुपये मैंने कमाया, और उसका फिर 20% मैंने जब दान में दे दिया ऑर्फनेज को, डोनेट कर दिया मैंने ऑर्फनेज में, तो फिर मेरे पास बच कितना रहा है, 100 रुपये। यानी कि मैंने ऑर्फनेज में डोनेट कितना किया, 25 रुपीज़। और फिर अगले साल यही चैनल चलेगा, 100 रुपये हम लगाएंगे, फिर हमारा 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि फिर 25 रुपये का प्रॉफिट, फिर 125 का हम जब 80% निकालेंगे तो फिर हमें 100 देगा। यानी कि हर बार मेरा इन्वेस्टमेंट ही क्या हो रहा है, बचते चला जा रहा है, और मैं डोनेट हर साल कितने कर रहा हूँ, 25 रुपीज़ कर रहा हूँ। ये क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में यही एक पार्ट था जो समझने लायक था कि हर बार मैंने 100 रुपये लगाया, 25 रुपये का प्रॉफिट खाया, और फिर मेरा जो डोनेशन करने के बाद अमाउंट बचा वो बचा 100 रुपये। यानी कि हर साल मैंने कितने डोनेट किए, 25 रुपीज़ डोनेट किए, और यही चैनल जो है हमारा चलता रहेगा जितने भी साल तक बोले। इसमें कोई मतलब नहीं है मुझे कितना भी साल बोले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द सेम कोर्स वॉज फॉलोड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो, यही सेम चीज सब्सिक्वेंट मतलब आगे के साल में चलता रहा। इन द एट इफ एट द एंड ऑफ 36 ईयर, 36वें साल के अंत में ही इज लेफ्ट विथ 125,000, वो कितना के साथ बचा हुआ है, 125,000। यानी कि जो बचा हुआ है, पहले साल के अंत में मैं कितना के साथ बचा हुआ था, 100 रुपये, फिर दूसरे साल के अंत में मैं कितना के साथ बचा हुआ था, 100 रुपये के साथ, फिर तीसरे साल में जाऊँगा तब भी 100 रुपये। यानी कि लिटरली मैंने जो माना था वो 100 यूनिट के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 यूनिट जो है हमारा वो किससे संबंधित हो जाएगा, 125,000 से, किससे संबंधित हो जाएगा, 125,000 से। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 125 रुपीज़ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 125 रुपीज़। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। देन फाइंड द सम ऑफ अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 9th ईयर एंड 16th ईयर, 9वें साल और 16वें साल के अंत में उसने कितना डोनेशन किया, ये मुझे निकालना है। हर साल मैं डोनेट कितना कर रहा हूँ, 25 रुपीज़ डोनेट कर रहा हूँ हर साल। यानी कि हर एक 9th में भी मैं कितना करूँगा, 25 डोनेट करूँगा, और 16 में भी मैं कितना करूँगा, 25, 25 प्लस 25 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। यानी 50 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारा, 125 × 50। जब इसे सॉल्व करूँगा तो ये मुझे देगा 6250, कितना दे देगा हमें, 6250। और इसी तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 6250। ये 6250 जो आया है 9th ईयर प्लस में 16th ईयर को जोड़ के आया है। किसको किसको जोड़ के आया है, 9th ईयर और 16th ईयर को जोड़ के आया है। और इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6250, और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही ट्रिक था आपका यहाँ पे कि जितना वो कमा रहा है उतना वो क्या कर रहा है, ऑर्फनेज में दान में दे रहा है। तो जब दान में दे रहा है हर साल वही चीज़ चल रहा है, तो 9वें साल में ही वो 25 रुपये कमाया होगा, 16वें साल में ही वो 25 रुपये कमाया होगा, और इस तरीके से 50 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, 125 × 50। और इसी तरीके से हमारा जो आंसर देगा वो देगा 6250। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।